नमस्कार। मेरे हरियाणा के नौजवान साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा आपको जानकारी है कि कोरोना के विषय को लेकर के मैं पिछले बुधवार तक हर दिन आपके सामने आकर के कोई विषय रखता था। दो दिन के गैप के बाद आज शनिवार के दिन फिर आपके पास आया हूँ। आज का हमारा विषय वो शिक्षा से जुड़ा है। कोरोना के इस संकट में हर वर्ग प्रभाव उस पर पड़ा है, कोई उससे अछूता नहीं है, और ऐसा ही एक वर्ग शिक्षकों का, छात्रों का भी है। स्कूल बंद हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, समय के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। हमें भी इस परिस्थिति के हिसाब से अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है। पहले तो तकनीक शिक्षा का एक विषय होता था, आज तकनीक से ही शिक्षा हो रही है। स्कूल को बंद किया जा सकता है, पर ज्ञान और शिक्षा को बंद नहीं किया जा सकता। आज विषय ये नहीं है कि पढ़ें कैसे, बल्कि विषय तो ये है कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तकनीक से हमें कई माध्यम दिए हैं, तकनीक के कारण से हम जो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान रहना चाहिए। समय की मांग है कि हम घर में रहें, स्कूल न जाएं। हम स्कूल नहीं जा सकते, पर स्कूल तो घर में आ सकता है। हम आपके स्कूल को आपके घर में ही लेकर आ रहे हैं। हमने जैसे पहले 3S का एक मंत्र दिया था, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योर सेल्फ, आज मैं अपने उस 3S मंत्र को बदल रहा हूँ। आज का 3S मंत्र विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, स्टे एट होम, स्कूल एट होम एंड स्टडी एट होम। इस प्रकार हम लोग अपने इस मंत्र के हिसाब से अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग अपने इस काम को करते हुए आगे बढ़ने के लिए इन लॉकडाउन के दिनों का उपयोग करेंगे। पिछले 25 दिनों में बड़े धैर्य के साथ हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जैसा मैंने 15 अप्रैल को इसी मंच से कहा था कि जल्दी ही ग्रीन लाइट होगी और सामान्य जीवन शुरू हो जाएगा। कोरोना से उपजी अनिश्चितता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों पर पड़ा है। 18 मार्च को प्रदेश में चल रही स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं को हमने रोक दिया था। 19 मार्च को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूल के बच्चों का अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल को शुरू होता, बाकी परीक्षाएं भी होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं होंगी या नहीं, अगली कक्षा में कब दाखिला मिलेगा, इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हमने पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जितनी परीक्षाएं 18 मार्च तक हुई थी उन्हीं के परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिला देने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और DTH चैनल्स के माध्यम से शुरू कर दी गई है, और ये केबल और DTH एजुसेट के दूरदर्शन के साथ जोड़ करके हमने किया है। हरियाणा पहला प्रांत है कि 100% पेनिट्रेशन, चाहे वो गांव हो, सुदूर इलाका हो, शहर हो, सबके साथ हमने इसको जोड़ा है। केवल 12वीं के विद्यार्थी, उनको परीक्षा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। CBSE ने अभी तक अपनी कोई टाइम टेबल बना करके स्थिति स्पष्ट नहीं की है। साधारणतया 12वीं का परिणाम 15 मई के आसपास घोषित होता है, परंतु इस बार परीक्षाओं के देरी होने के कारण से अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो पहले हो जाती हैं, इस बार NDA की प्रवेश परीक्षा जो 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई थी, मेडिकल कॉलेज के लिए NEET की परीक्षा भी 3 मई को होनी थी, इन दोनों को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी JEE अर्थात ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की 1 जनवरी में जो परीक्षा हो गई थी उसका परिणाम भी 21 जनवरी को घोषित हो गया था। इसी परीक्षा का एक दूसरा अवसर भी दिया जाता है जो 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होना था, जिसे कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया। अब 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन की अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का ये इसको एक सुअवसर मान लें।
क्योंकि ये अवसर हमको और आगे तैयारी करने के लिए बढ़िया अवसर भी है। शायद स्कूल कॉलेज खुले रहते तो इतनी तैयारी हम नहीं कर सकते थे। ये दो महीने का जो ज़्यादा समय मिला है, इसमें भी हम डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, केबल और डीटीएच चैनल के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उसका आप लाभ उठाएं। दसवीं ग्यारहवीं कक्षा के विषयों के जिन पाठों में आपको कोई कठिनाई है उसे दूर करने के लिए जेई, नीट और एनडीए की परीक्षाएं जून जुलाई में हो तो उसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। इस बीच मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं में बचे हुए परीक्षा विषयों की परीक्षाएं जल्द से जल्दी लेकर परिणाम घोषित करने के सभी हम प्रयास करेंगे। इस पढ़ाई में हमारे बहुत से अध्यापक, लेक्चरार, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ऐसे ही आज कुछ लेक्चरार्स और टीचर्स, इनकी बातचीत भी आपके सामने मैं कराऊंगा। मेरे साथ लाइन के ऊपर अभी जुड़े हैं नूह के कॉलेज से हमारी लेक्चरार नम्रता। तो नम्रता जी लाइन पर जुड़ी हैं, मैं नम्रता जी को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई में अपना आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, एक बार ज़रा बच्चों को बताएंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आप भी अपने प्रयत्न से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कृपया आप अपनी जबानी एक बार बताइए कि किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। नम्रता जी नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे यहाँ पर जो हम प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ रहे हैं, वो भी क्लास वाइज, सीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उनसे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। उसके अलावा इस ग्रुप को हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम बच्चों से सिलेबस जो हमें दिया गया है उसको हम कवर कर रहे हैं पीडीएफ फाइल्स के थ्रू, यूट्यूब लिंक्स के थ्रू, और गवर्नमेंट की तरफ से जो शिक्षा सेतु ऐप है उसका प्रमोशन भी हम कर रहे हैं, वहाँ भी मटेरियल डाल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए उनको डेली असाइनमेंट्स और टेस्ट भी दे रहे हैं, ताकि हम बच्चों से पूछ सकें कि उनको कोई घबराहट तो नहीं हो रही, कहीं वो डाउट में तो नहीं है कि उनके पढ़ाई अच्छे से होगी या नहीं। नम्रता जी ये बताएंगे कि आपने क्या क्या नए काम किए हैं इसमें। सर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तीनों सालों के अलग अलग बनाए, हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाए हैं, ताकि बच्चे अपनी सब टीचरों से जुड़ सकें। जितने भी बच्चों के पास डिजिटल स्मार्टफोन है सर, उनसे हम कनेक्टेड हैं, और जिनके पास नहीं भी हैं उनसे भी हम कॉल करके जुड़े हैं और उनसे उनके डाउट्स भी पूछते हैं, और उनको ये भी बताते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है फिर भी आप अपने टीचरों से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नम्रता जी आप इस प्रकार से छुट्टियों के इन छुट्टियां क्या, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें समय का उपयोग कैसे किया जाए, बहुत ही एक अच्छे प्रकार से अपने विद्यार्थियों की आप अपने परिश्रम से उनके लिए जो काम कर रहे हैं ये वास्तव में ही बड़ा प्रशंसनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इन दिनों में कुछ और भी कठिनाइयाँ समस्याएँ जो आ रही हैं, शिक्षा विभाग जो मिड डे मील ये बच्चों को अपने विद्यालयों में देता था, अब चूंकि विद्यालय बंद हैं इसलिए मिड डे मील शिक्षा विभाग के अध्यापकों के द्वारा ये भी हमने बंटवाना शुरू किया है। 15 मार्च और 31 मार्च इन दोनों अवसरों के लिए अप्रैल माह का जो सूखा अनाज है घर घर जा करके बच्चों को बांटा गया है। इस समय की जो कुकिंग कॉस्ट है प्रति विद्यार्थी प्रति माह 134 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह की दर से ये बच्चों के खाते में जारी कर दिया गया है। इस भोजन के लिए भी बहुत से अध्यापक अपने जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं में एक अध्यापक अपने हैं रमेश कुमार जी, सफीदों से हमारे साथ जुड़े हैं, जेबीटी अध्यापक हैं। किस प्रकार से बच्चों के लिए वो इस अनाज का मिड डे मील की व्यवस्था वो देख रहे हैं, तो रमेश कुमार जी आप जरा दर्शकों को सीधा बताइए कि किस प्रकार से आपको ये प्रेरणा मिली और बच्चों तक ये भोजन पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं, क्या इसमें आपको कठिनाई आई है, कैसे उसमें से रास्ता निकाला है। रमेश कुमार जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर हमने 265 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, उनको घर घर जाके पॉली बैग में पैकिंग करके मिड डे मील वर्करों की सहायता से, एसएमसी मेंबर की सहायता से घर घर जाके बांट दिया सर। और पब्लिक की सोच है कि इस संकट की घड़ी में सरकार हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है, कोई भी मुसीबत हो सरकार हमारे हमेशा साथ रहती है।
आप ये बताएंगे कि आपने अपने विद्यालय के कितने बच्चों को ये जो घर घर जाकर के अनाज पहुंचाया है? 265 को बता सर। 265 को, इसमें सभी अध्यापकों ने आपका सहयोग किया है? हाँ जी, सभी अध्यापकों को ऑपरेशन आपने साथ। तो जनता का रिस्पॉन्स क्या था? उनकी ओर से कोई विषय समर्थन किया गया या विरोध किया गया, कोई नया सुझाव दिया गया? नहीं, समर्थन किया था पूरा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप लोग इतनी मेहनत करें, कोरोना में रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ का, तो आपको भी सरकार ने सुविधा देनी चाहिए थी मास्क वगैरह की, लेकिन फिर भी हमने अपने जेब खर्च से मास्क पहन के और हाथों में दस्ताने पहन के पाया था। हाँ, बहुत अच्छा है। हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी सेवा के काम में लगा है, आज फील्ड में जाने के लिए मास्क पहनना इसको अनिवार्य किया गया है। सब लोग मास्क का प्रबंध करके तभी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश कुमार जी। इसी प्रकार से एक विषय, अभी जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए नई कक्षाओं में जा करके जो हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हर वर्ष देते हैं, इस बार लॉकडाउन के कारण से वो पुस्तकें उनको नहीं पहुँचाई गई हैं, लेकिन पुस्तकों की कमी को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा गांव में पुरानी पुस्तकों का परस्पर आदान प्रदान के भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन हटेगा, नई पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति ये सुनिश्चित की जाएगी। और इस संबंध में भी एक अध्यापक अपने हैं सुनील दत्त जी, उन्होंने पुस्तकों के संबंध में किस प्रकार से विद्यार्थियों का सहयोग किया है वो भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। सुनील दत्त जी JBT टीचर हैं, ज़रा सुनील दत्त जी बताएंगे कि आपने किस प्रकार से बच्चों की सहायता की है। जी सर, नमस्कार। सर, मैंने पर्सनली जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे जाके प्रत्येक मतलब बच्चों को मोटिवेट करके उनसे मतलब किताबें ली, और दूसरे बच्चों को जो छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे उनको वो किताबें जाके दी। और इसके अलावा साथ में जो हमारे पास पिछले साल के कुछ सेट बचे हुए थे, वो भी जो नए बच्चे हैं जो पहली क्लास में जो हमारे पास आ सकते थे, उन बच्चों को हमने पर्सनली जाके दिया। इसके साथ साथ भी मैंने जो हमारे क्लस्टर में और भी स्कूल पढ़ते थे उनके टीचरों को भी इसी तरीके से मोटिवेट किया, और उन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग करते हुए उन बच्चों को किताबें बांटी। और जिसका हमें जो ये ऑनलाइन टीचिंग में इसका बड़ा ये लाभ मिला कि बच्चे अब इसके ऊपर पूरा ध्यान देते हुए पूरा काम कर रहे हैं, और हमें जो हर रोज हम काम भेजते हैं तो बच्चे वो तो करते ही हैं, साथ में शाम को दोबारा से मैसेज आता है सर और काम दो, हमने ये तो कंप्लीट कर लिया है। तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो था वो हमारे से बहुत बढ़िया रहा, और इसका लाभ मतलब प्रत्येक बच्चे को मिल रहा है। बहुत बढ़िया सुनील दत्त जी, आपने बच्चों की ये जो कठिनाई है पुस्तकों की, इसको हल करने के लिए एक रास्ता बताया है। मैं समझता हूँ सभी बच्चे अपनी पुरानी पुस्तकों को आदान प्रदान करके अपनी पढ़ाई को चालू रखेंगे। प्राइवेट स्कूलों का एक विषय भी मुझे ध्यान में है, पिछले दिनों में कई लोगों ने कराया है कि प्राइवेट स्कूल अपने 3 महीने की एडवांस फीस लेने के लिए उन्होंने सर्कुलर निकाला, लेकिन हमने उनको एक आग्रह किया है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि 3 महीने के बजाय वो केवल 1 महीने की फीस लें, और यातायात शुल्क भी उनको नहीं लेना चाहिए। ऐसे कुछ प्राइवेट स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने आगे बढ़ करके लॉकडाउन के समय की फीस ये पूरी की माफ़ कर दी है। ऐसे स्कूलों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि अन्य स्कूल भी इसी का पालन करें, ताकि जो बच्चे हैं खास करके ऐसे परिवार, सामान्य परिवार जिनकी कमाई इस समय बंद हो गई, जिनके काम बंद हो गए, वो अपने बच्चों की पढ़ाई को आगे रख सकें। ऐसे किसी बच्चे का भी एडमिशन न रोका जाए, उनके आगे चल करके किस प्रकार से उनकी फीस लेनी है इसका कोई प्रबंध करें। जहाँ तक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार विद्यार्थी ऐसे जो सरकारी 172 ITIs हैं, 246 प्राइवेट ITIs हैं, उनमें जुलाई माह में दाखिले लेते हैं। ITIs के अतिरिक्त पॉलिटेक्निक्स में भी वो लोग दाखिले लेते हैं। अब इनकी भी चूँकि कक्षाएं अगस्त में शुरू होती हैं, 24 मार्च को प्रदेश के सभी ITIs को बंद करने के बाद थ्योरी की पढ़ाई फ़ोन पर या ई लर्निंग से करवाई जा रही है, परंतु प्रैक्टिकल्स की पढ़ाई लॉकडाउन की अवधि के बाद ही प्रारंभ किया जाएगा। ITIs में 81 ट्रेड हैं, 30 से 35 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें 10वीं में गणित या विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण की शर्त होती है। चूँकि 10वीं कक्षा में विज्ञान अथवा गणित की जो परीक्षाएँ अभी नहीं हुई है, इसलिए विचार किया जा रहा है कि 10वीं की विज्ञान की परीक्षा में ज़्यादा समय लग जाए तो ऐसे ट्रेड्स में बिना विज्ञान की परीक्षा के ही प्रोविजनल दाखिला दे दिया जाए। इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। विचार ये भी है
कि गणित या विज्ञान के विषय पास नहीं हो पाएंगे तो उन्हें बिना गणित अथवा जो विज्ञान गणित के विषय के ट्रेड हैं उसमें जाने की छूट दे दी जाए। ऐसा ही पॉलिटेक्निक्स में भी ऐसे जो ट्रेड हैं जिनमें डिप्लोमा के लिए दाखिला लेना चाहते हैं वहाँ भी गणित और विज्ञान दोनों विषयों की उत्तीर्ण करने के बाद ही ऐसे जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर रखा जाएगा, अन्यथा दूसरे ट्रेड्स में जाने के लिए उनको छूट मिलेगी। कॉलेजेस में भी हायर एजुकेशन में शिक्षा के लिए बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्रावधान किए गए हैं जो YouTube के माध्यम से, Google Hangout के माध्यम से 25 मार्च के दूसरे सेमेस्टर का ई शिक्षण इसको हमने शुरू करवा दिया है, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। 9000 से भी अधिक प्राध्यापक जो ई लर्निंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, 28000 के लगभग विद्यार्थियों ने अपना फीडबैक विभाग को दिया है, उनमें से 90% विद्यार्थियों ने कंटेंट की बहुत प्रशंसा की है। हमारे एक कॉलेज के लेक्चरार हैं विवेक गोयल जी जो हमारे साथ जुड़े हैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से, और वो इस विषय में सब विद्यार्थियों को अपनी ओर से कुछ मार्गदर्शन करेंगे ताकि विद्यार्थियों का उनको लाभ हो। श्री विवेक गोयल जी आप बताएंगे जरा। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, जूलॉजी पढ़ाता हूँ जी। और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक बार बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ा कि हमें जुड़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एक 4-5 दिन उसमें निकले और पिछले 20-25 दिन में हम 15 से ज्यादा बार इंटरेक्ट कर चुके हैं। हम अपने लेक्चर खुद भी बना रहे हैं, हम YouTube के लिंक भी दे रहे हैं और WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है हमने बड़ा सारा। मोर देन 120 स्टूडेंट्स हैं और सभी बच्चों को उस ग्रुप में पोस्ट करने की इजाजत है, मतलब कोई भी स्टूडेंट उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकता है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनसे हम फोन पे और ऑडियो कॉल कर रहे हैं। मेरे तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एक्स्ट्रा फोन डोनेट तक करने की बात की है कि हम उन बच्चों को अपने फोन दे देते हैं के पास मोबाइल नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसा किया भी है। वो एक टाइम बीइंग इमरजेंसी है, सॉलिडैरिटी है, सब इकट्ठे चल रहे हैं और सभी साथ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है गोयल जी, आपने जो प्रेरणा दी है विद्यार्थियों को कि अपने मोबाइल का भी दूसरे लोगों के लिए वो उपयोग करवा रहे हैं, इस प्रकार परस्पर सहयोग से हम सब लोग अपनी शिक्षा को इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने कई प्रकार के ऐप देखे हैं, यू दोस्त व टच बेस इस नाम से ऐप, इनके माध्यम से स्टूडेंट्स को विशेष प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक जिसको कहना चाहिए शिक्षा, इसकी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। 180 से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसमें मनोवैज्ञानिक के जो प्राध्यापक हैं वो इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा समय घर पर है, खाली है। कई बार युवक बहुत खाली रहने से या जिसको कई बार घर की चारदीवारी में रहने से बहुत कठिनाई होती है, मनोवैज्ञान की दृष्टि से भी हमें उसके चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है, हमें उसकी परामर्श की भी आवश्यकता होती है। तो हम इन यू दोस्त और टच बेस नामक ऐप के माध्यम से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आरोग्य सेतु ऐप, ये हर कोई नौजवान, हर साथी, हर व्यक्ति इसको डाउनलोड करे। इस डाउनलोड करने के लिए भी युवकों से मेरा आग्रह है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए ताकि अपने आसपास कोरोना के संक्रमण से बचने का ध्यान हम रख सकें। जब तक 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी अब तक 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी एवं अध्यापकों ने इसे डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड करें, घर के अन्य सदस्यों को भी इसमें प्रेरित करें। मैं एक विद्यार्थी हैं यमुनानगर से, साहिल कंबोज, उनसे जुड़ा हूं। साहिल कंबोज विद्यार्थी इस संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे कि किस प्रकार से वो इसके साथ जुड़े हैं। साहिल कंबोज। हाँ जी सर। जी साहिल जी। हाँ जी सर। हाँ, क्या आपने ये डाउनलोड किया है आरोग्य सेतु ऐप? आपने उसमें जुड़ करके कोई उसमें कोई जानकारी मिलती है आपको? हाँ जी सर, मोटिवेशन आती है सर। मोटिवेशन आती है? हाँ जी सर। बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सर एकदम ठीक चल रही है सर, गुड चल रही है। आपको टीचर कैसे पढ़ाते हैं? सर हमको टीचर डिजिटल से जुड़े हैं सर। डिजिटल से जुड़े हुए? हाँ जी सर। लॉकडाउन का पालन करके? हाँ, लॉकडाउन का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं सर। बहुत अच्छा है। हाँ जी सर। तो एक विद्यार्थी होने के नाते भी आप ये सब चीजों का पालन करते हैं, तो बाकी सभी विद्यार्थी जो मेरी बात को सुन रहे हैं या जो बंधु सुन रहे हैं वो अपने
जो भी छात्र साथी हैं, छात्राएं बहने हैं, परिवार के सब लोग इन सब बातों का ध्यान रखें, ताकि हम लोग आरोग्य सेतु ऐप को भी उसमें जोड़ें, अपने समय का उपयोग भी ठीक करें। जिस परिस्थिति में हम निकल रहे हैं, कोरोना की इस परिस्थिति में, इसमें लॉकडाउन के कारण से बहुत लोगों के व्यवसाय ये समाप्त हो गए हैं। गरीब लोगों की मदद के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। एक विषय मैं अपने नौजवान मित्रों से, हमारे छात्र छात्राओं के सामने भी जरूर रखना चाहूँगा, इस कोरोना की लड़ाई में बहुत लोग मदद कर रहे हैं, और मदद करने के लिए जो लोग कमाते हैं वो तो आगे आए ही हैं। मेरा कहना यह है कि केवल उसी समाज के लिए ये विषय नहीं है कि उन्होंने ही आगे आना है, बल्कि हमारा विद्यार्थी जो कल का नागरिक, कल का एक जिसको कहना चाहिए, जिसके कंधे पर देश और समाज की एक जिम्मेवारी आने वाली है, इन्हें भी इस सामाजिक संवेदना को अपने अंदर लाना चाहिए, सामाजिक संवेदना को जगाना चाहिए। हमने इसके लिए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड ये बनाया है। इस रिलीफ फंड में हमारे अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी वो तो योगदान कर ही रहे हैं। अभी तक का जितना योगदान हरियाणा में हुआ है, उसमें से 50% से अधिक योगदान, लगभग 38 करोड़ रुपए केवल शिक्षा विभाग का हुआ है। मेरा ऐसा एक संकेत भी है, मेरा मानना है कि हम जो नौजवान साथी हैं, ये भी भले यानी सांकेतिक रूप से इसमें जुड़ें, लेकिन अपनी खर्ची में से यदि हम भी इस सामाजिक संवेदना से जुड़ना चाहते हैं, योगदान करने के लिए कम से कम 5 रुपये हर एक विद्यार्थी यदि इसमें डालता है, तो इससे राशि भले बड़ी ना हो, लेकिन हमारा जुड़ाव इस समस्या के निदान के लिए बनेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हर विद्यार्थी कम से कम 5 रुपये अपने इस कोरोना रिलीफ फंड में योगदान करे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। मैं अंत में आप सब लोगों से अपील करूंगा कि इस समय का हम भरपूर उपयोग करें, खाली रहे नहीं रहें, जो भी घर के कामों में सहायता करें और अपनी पढ़ाई इसको जारी रखें, अपने आप को तैयारी करें। ये समय, जिस समय का हम उपयोग कर रहे हैं, हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो भले किताबों से नहीं मिल रहा है, प्रस्थिति और अनुभव ये भी उसके लिए बहुत लाभदायक हमको हो रहा है। आने वाले जीवन में ये हमको बहुत ही मदद करेगा। मित्रों, याद रखिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय है। आप शिक्षित भी हो रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं, इसलिए शिक्षित होना ये हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, और जो समझदार होना है ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस सारे काम को यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आप नई पीढ़ी के रूप में स्वयं भी पालन करिए, परिवार के एवं अन्य साथियों को भी इसका पालन कराइए। हम हरियाणा में सब लोग लगे हैं इस काम के लिए। निश्चित रूप से हरियाणा में कोरोना हारेगा, कोरोना को हरियाणा में हम हराएंगे, हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। इस लाइन के साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।